दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, जहां पर दोस्तों भारतीय टेस्ट टीम हुई घोषित, इन दिग्गज बल्लेबाजों को मिली जगह, ये शेर खिलाड़ी हुआ बाहर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप वर्ल्ड वाइड क्रिकेट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारतीय टीम द्वारा घोषित हुई भारत की टेस्ट टीम के बारे में, और किन दिग्गज बल्लेबाजों को मिली जगह, और कौन सा शेर खिलाड़ी हुआ बाहर। तो दोस्तों इस सब बारे में हम इस वीडियो में पूरी विस्तार से बात करेंगे, तो दोस्तों आप भी इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया को दिल से सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं टीम इंडिया न्यूजीलैंड से इस टेस्ट सीरीज को जीत जाए, तो इस वीडियो को लाइक करके टीम इंडिया को ज़रूर सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों बगैर समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत ने न्यूजीलैंड को T20 मैचों में 5-0 से सफाया कर दिया था, तो वहीं न्यूजीलैंड ने भी वनडे मैचों में 3-0 से इंडिया टीम को शिकस्त दी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट 21 फरवरी को खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय टीम के लिए बेहद खास होगा। पहला टेस्ट 21 से 25 फरवरी के बीच वेलिंगटन में, जबकि दूसरा टेस्ट 29 फरवरी से 4 मार्च के बीच क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। दोस्तों आपको बता दें इन सभी मैचों का लाइव प्रसारण आप भारतीय समय अनुसार सुबह 4 बजे से देख सकते हैं। वहीं इसका लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट नेटवर्क के टीवी चैनलों और मोबाइल ऐप हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि वनडे सीरीज में रोहित शर्मा टीम से बाहर थे, और टेस्ट सीरीज में भी रोहित शर्मा के चोटिल होने के बाद उनकी जगह पर शुभमन गिल को टेस्ट टीम में जगह मिली है। दोस्तों पहले वनडे में रोहित शर्मा के बिना टीम ने बहुत ही ज़्यादा खामियाजा भुगता है, क्योंकि अगर रोहित शर्मा टीम में होते तो शायद वनडे सीरीज का कुछ और ही परिणाम निकलता। इसके अलावा दोस्तों टीम में मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ भी सलामी बल्लेबाज के तौर पर मौजूद हैं। इसके अलावा धुरंधर बल्लेबाज शुभमन गिल और तेज गेंदबाज नवदीप सैनी इस सीरीज में डेब्यू कर सकते हैं। वहीं दोस्तों एक साथ पूरी 16 सदस्यीय घोषित हुई टीम की बात करें तो विराट कोहली कप्तान, पृथ्वी शॉ, मयंक अग्रवाल, रिद्धिमान शाह विकेटकीपर, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, हनुमा विहारी, आर अश्विन, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, नवदीप सैनी, जसप्रीत बुमराह और ईशांत शर्मा 16 सदस्यीय टीम का हिस्सा हैं। दोस्तों आपके अनुसार इस टेस्ट सीरीज में कौन से खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए था, और यह सीरीज कौन सी टीम जीतेगी, भारत या न्यूजीलैंड? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ज़्यादा जानकारी और क्रिकेट की अन्य तमाम खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।